राधे राधे भक्तों, ठाकुर जी की कृपा जब होती है तो गरीबी में भी त्याग की भावना जागृत हो जाती है। और बिना भगवत कृपा, हरि कृपा, संत कृपा, गुरु कृपा के जल्दी से त्याग की भावना नहीं आती। घर में अपार धन हो, सड़ रहा हो, सब कौड़ी नहीं निकालता आदमी, जब तक संतों की कृपा, भक्तों की कृपा नहीं होती, वो त्याग नहीं मन में आता। बस और जोड़ने का ही मन रहता है, और मिल जाए और मिल जाए, खर्च न हो, यही संभालते हैं। मैंने आपको गया प्रसाद संत जी की चरितावली सुनाई थी एक वर्ष पहले, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत गरीबी में भी प्रभु की कृपा से मन में वैराग्य हुआ तो घर छोड़ करके वे हाथरस से गोवर्धन जी चले गए और एक बहुत महान संत के रूप में भागवत भक्ति और त्याग वैराग्य के प्रताप से लोगों ने उनको देखा। उनकी चरितावली आप सुन चुके हैं, किंतु आज मैं उनकी चरितावली का परिशिष्ट लेकर के आया हूं आपके सम्मुख। आपको उनका चरित्र कुछ सुनाया जा चुका है, कुछ और बातें मैं सुना रहा हूं। महाराज जी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला के अंतर्गत कल्याणीपुर ग्राम में सन 1893 ईस्वी में कार्तिक शुक्ल षष्ठी को जन्म लिए थे और पुकारने का नाम बच्चा था उस समय, वैसे खिरोधन नाम था। और पिछले जन्म की भक्ति इतनी तीव्र थी कि बाद में श्री वृंदावन धाम में और उसके बाद तो गोवर्धन जी की तलहटी में ही रहे और जीवन के आखिरी टाइम तक वहीं रहे। सन 1994 ईस्वी में श्री गिरिराज जी के चरणों में देह का त्याग किया था। उनके गुरुदेव थे उड़िया बाबा, जिनका वास्तविक नाम था स्वामी पूर्णानंद जी महाराज। सन 1939 ईस्वी में वृंदावन धाम में गुरुदेव ने उनकी दीक्षा की थी। और जब वे छोटे से बच्चे थे तो पढ़ने में बहुत मन लगाते थे। थोड़ा बड़े हुए तो एक डला नामक ग्राम में रहकर शिक्षा गुरु श्री गौरी दत्त त्रिपाठी से अमरकोश अध्ययन किए, लघु सिद्धांत कौमुदी का अर्थात व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया, ज्योतिष कर्मकांड शिक्षाएं ग्रहण की। और उनके गुरुदेव विद्वान थे, विद्वान गुरुदेव की द्वारा पढ़ाई करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार ये भी बड़ा तीव्रता से इनका बढ़ा। बड़े तपस्वी थे महाराज जी बचपन से ही, त्याग, तपस्या, सदाचार, संयम और भक्ति की निष्ठा उत्पन्न हुई। वो भक्ति की निष्ठा ने सोने में सुहागे का काम किया। अवस्था के हिसाब से विवाह हुआ महाराज जी का, और किशोरावस्था में विवाह हो गया था। उनके संतान का नाम उस समय लड़के का नाम सिद्धनाथ रखा गया था। उसे प्यार से बच्चू बुलाते थे, लेकिन बच्चू जब स्वयं बड़े होकर के सामर्थ्यवान हुए तो रामायणी बन गए, रामायण की कथा करते थे, और उस समय उनका नाम हुआ मानस शास्त्री। मानस शास्त्री
संत गया प्रसाद जी के शरीर के द्वारा जन्म प्राप्त हुए उनके लड़के थे, और उन्हीं के सुपुत्र भागवत भक्ता पीयूष जी हैं जो प्रसिद्ध भी हैं। लेकिन महाराज जी का स्वभाव बहुत वैरागी वाला स्वभाव, विरक्त स्वभाव था, इसलिए वैरागी की अधिकता के कारण भागवत बांचने में भी उनका मन पैसे की ओर कभी नहीं जाता था। और उनको पैसा लेना भी अच्छा नहीं लगता था। गया प्रसाद जी महाराज को भागवत की कथा तो करते थे, लेकिन पैसा लेना उनको अच्छा ही नहीं लगता था। और फिर गृहस्थी में ऐसे झंझावात आए, गृहस्थी में ठाकुर जी की कृपा से उनका मन वैराग्य की ओर चल पड़ा गृहस्थी में रहते हुए। और संस्कारी तो पुण्यवान संस्कारी तो थे ही, ब्रज की सीमा में आ गए, जहां आकर के उन्होंने हाथरस में नौकरी कर ली और गृहस्थी जैसे तैसे चलाते रहे। उसी बीच में धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया, शरीर त्याग हो गया, भगवत धाम की प्राप्ति हुई होगी, और वैराग्य ने फिर अंगड़ाई ली। जब गृहिणी का शरीर पूर्ण हो गया तो उनके मन में आने लगा, कष्टम पुत्रम कष्टम जननी, कौन तुम्हारा बेटा कौन तुम्हारी पत्नी, तुम किसके बेटे। वही भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, जो शंकराचार्य जी ने कहा, वही बात दिमाग में घूमने लगी। और सांसारिक बोझा जो सिर पर था वो थोड़ा हल्का हो गया, और अब तो गिरिराज धारण की शरण में पदार्पण कर गए। और गिरिराज जी की तलहटी में लक्ष्मीनारायण मंदिर में अखंड 50 वर्ष तक वास किया लक्ष्मीनारायण मंदिर गिरिराज जी में, जो दानघाटी के पास में 50 वर्ष तक रहते रहे, साधनारत रहे। पहले की जो महाराज जी की साधना थी उस नियम के अनुसार वो राम भक्त थे, अयोध्या एवं रामायण के प्रति अटूट निष्ठा थी, रामचरितमानस की बहुत निष्ठा थी, राम भक्त थे। लेकिन जब श्री वृंदावन धाम में गोवर्धन में और ब्रज में विचरण करने लगे तो वही मन वैरागी हो गए, सुन बंशी की तान वाली बात आई। एक बार जब वो हाथरस में आकर के रहने लगे, घर अपना हाथरस में उनका हो गया, तो हाथरस में 3 दिन की रास मंडली आई, और देखने को किसी साथी ने कहा कि पंडित जी जरूर चलिए, बहुत अच्छी चीज है, दर्शन करिए, रास लीला हो रही है। तो पहले तो महाराज जी ने कह दिया कि भाई वो तो श्रृंगार उपासकों के लिए है, हम ठहरे दास्य भाव वाले, और दास्य भाव के हम राम उपासक हैं, हम क्या करेंगे रास लीला में जा करके। लेकिन फिर उनके मित्रों ने कहा कि नहीं पंडित जी जरूर चलिए, बहुत अच्छी चीज है। तो उन्हें चाहने पर भी एक मित्र के कहने से गए, और पहली बार रासलीला हाथरस में जब देखा उन्होंने, जो 3 दिन के लिए आई थी, तो महाराज जैसे सफेद वस्त्र पर कोई बहुत जल्दी से छींटा जम जाए, ऐसे धुले श्वेत वस्त्र में एक स्याही की छींट जैसे झलक जाती है, ऐसे उनके निर्मल चित्त में कन्हैया की छवि आ बसी। निर्मल चित्त में रास राम जी की भक्ति तो करते ही करते थे, कन्हैया की प्यारी छटा आकर के बस गई, और आजीवन
सब कुछ जो उन्होंने पालन किया था, धर्म कर्म निष्ठा नियम संयम, वो सब के पालन करने से उनकी अंतरात्मा बड़ी पवित्र थी। उस पर प्रेम रस का चढ़ना ही था, प्रेम का रंग लग गया। और आशीला देखते एक दिन दो दिन तो बीत गया, तीसरे दिन तो ऐसा रास बिहारी ने जादू चलाया उस रास मंडली के माध्यम से, वास्तविक जो रासधारी भगवान श्याम सुंदर हैं, उनका ऐसा जादू चला कि बाहर की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि कहीं भी दीन दुनिया के वो नहीं रह गए। गया प्रसाद जी महाराज बिल्कुल ही संसार से अलग से हो गए। तीसरे दिन जब रास बिहारी विदा होने लगे तो बस एक ही धुन सवार हो गई, प्रार्थना करने लगे, मुंह को अपने समीप ही वृंदावन में बसा लो। ब्रज की बोली में बोले महाराज जी, गया प्रसाद जी, मोकू अपने समीप ही वृंदावन में बसा लो। और ऐसा आकर्षण हुआ, प्रबल आकर्षण, जैसे आत्मा खींच करके फंसी भगवान के प्यार में, स्नेह में, कि 17 दिन तक रास मंडली के जाने के बाद मूर्छित जैसी अवस्था में रहते थे, पूरा पूरा होश नहीं रहता था, जैसे रास का जादू चल गया इनके ऊपर, गया प्रसाद जी के ऊपर। और होश में आते थे लोगों के बहुत कहने सुनने पर कुछ कुछ, लेकिन फिर उधर ही मन खींच जाता था। बार बार हूक सी उठती थी और यही लगता था कि कन्हैया तो मेरे ऊपर जादू चला गया, अब मैं संसार के काम लायक नहीं रह गया, अब मैं घर में नहीं रह पाऊंगा, घर में नहीं रह पाऊंगा। प्रभु के लिए वात्सल्य भाव मन में पैदा हुआ और जैसे कोई मूर्छित अवस्था में हुआ ऐसी हालत में रहते थे महाराज जी। और रास बिहारी के एक कटाक्ष बाण से विकल हो गए थे वो, अष्ट सात्विक भाव उनके अंदर पैदा होने लगे, चिल्लाने लगे राधा रानी का नाम और श्याम सुंदर का नाम, कृष्ण ग्रहित आत्मा हो गए, जैसे उनकी आत्मा को कृष्ण ने ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया, खींच रहे थे। और ऐसे पकड़े गए थे कि फिर छूटने की बात नहीं थी, जैसे कोई कुरंग ने बाण विद्ध कर दिया हो, बाण विद्ध कुरंग की हालत जो होती है, ऐसे हो गए थे। रास बिहारी के पीछे पीछे भागना शुरू किया, जहां रासलीला जाए वहां उनको भागना जाना। नाथ द्वारा चले गए, नाथ द्वारा में लीला दर्शन करते रहे, रोते रहे, फिर उदयपुर, उदयपुर में रासलीला का दर्शन करते रहे, रोते रहे, भगवान से विनती करते रहे, मुझे अपना प्रेम दो और अपने चरणों में बसाओ प्रभु। और जहां जहां राशि ले जाती थी वहां वहां जाते थे, रोते रहते थे। खूब नचाया रासधारी ठाकुर जी ने संत गया प्रसाद जी को, रासलीला ने बिल्कुल प्रेम विभोर कर दिया। प्रेम की नृत्य, प्रेम की नाच में, प्रेम के नृत्य में बिल्कुल डूब गए कन्हैया के रास में। जहां जहां रासलीला देखते थे उनके ऊपर सब अष्ट सात्विक प्रभाव दिखलाई पड़ता था, मूक दर्शक की भांति अपने को छलिया की करतूत अपने देखते रहे
और क्या कहें, बस समझ में आ गया कि कृपा की बारिश शुरू हो गई है। एक बार अधिक महीने में गोवर्धन जी की दंडवती लगाई, बड़े भाव से दंडवत किया महाराज जी ने, और योजनाबद्ध छलिया ने पकड़ने की जैसे तैयारी की हो, और पकड़ लिया गिरिराज की दंडवती में। महाराज जी पकड़े गए प्रेम रसिया भगवान श्याम सुंदर के द्वारा, और उसके बाद तो श्री उड़िया बाबा से वृंदावन आ करके कंठी मांगी, कंठी गले में बांध लिया, उड़िया बाबा को गुरु मान करके चरणों में दंडवत किया। फिर गोवर्धन पहुंच गए, और फिर श्याम सुंदर गोवर्धन गिरधारी के द्वारा अपने चरणों में रख लिए गए, और लक्ष्मी नारायण मंदिर की छत से उनकी झांकी निहार रहो, सहसा ऐसो दर्शन दियो कि हाँ ही रह गए, ऐसा महाराज जी ने बोला था। जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है वहीं पर दान घाटी में, लक्ष्मी नारायण मंदिर की छत से उनकी झांकी निहार रहे हो, सहसा ऐसो दर्शन दियो कि यहाँ ही रह गए। महाराज जी ने बताया भक्तों को कृपा करके कि छत पर से गिरिराज की ओर देख रहे थे, तब तक प्रभु ने ऐसी झांकी दी कि बस वहीं रुक गए वो। और कुछ दिन पहले अभी रामस्वरूप रासिला वाले जो थे, बहुत ही प्रसिद्ध थे वो, उन राजधारी को गया प्रसाद संत जी महाराज ठाकुर स्वरूप मानते थे। उनकी तो भावना बहुत अद्भुत थी ना, राजधारी अर्थात रासलीला वालों को बिल्कुल वो वही रूप मानते थे। पिछली बार मैं आपको सुना चुका हूँ, वो बात दोबारा नहीं सुनाने जा रहा हूँ, कि रासलीला के ठाकुर को रासलीला वाले भगवान ही मानते थे, बाल कृष्ण मान करके वात्सल्य भाव से प्यार करते थे। महाराज जी ब्राह्मणों को, साधुओं को और पतिव्रता माताओं को सावधान करते थे कि कलयुग है, इसमें यदि पवित्रता पूर्वक भक्ति में नहीं लगोगे तो ये कलयुग है, धर्म से अधर्म की ओर चले जाओगे। जब भी सत्संग में कोई ऐसे लोग आते थे जो महाराज जी के निकट में कुछ पूछते थे, तो वो सावधान करते थे कि कलयुग है, सावधान रहो, भगवान नाम का, भक्ति का, सेवा का आश्रय लो, संतों के चरण में रह करके उनके बताए गए उपदेश को अपने जीवन में उतारो, सेवा सुमिरन और नाम जप का आश्रय लो, ज्यादा बोलो नहीं, मौन अधिक से अधिक रखो, और आहार पर भी संयम करो, आचरण पर संयम करो, और सेवा में मनोयोग से लगो, भगवान नाम की साधना में दृढ़ता पूर्वक लगो, तो कुछ मिल सकता है। बहुत सावधान करते थे महाराज जी। और एक बार प्रथम वैराग्य में आए तो मिर्ची वाली बगीची की ऊपरी छत पे भजन करते रहे। ये बिल्कुल शुरुआत की बात है, महाराज जी के वैराग्य में शुरुआत की बात है कि मिर्ची वाली बगीची की ऊपरी छत पर भजन कर रहे थे, और रात में चोरों ने लूटपाट का उपद्रव मचाया, चोर आ गए, लूटपाट का बड़ा उपद्रव मचाया। और इस घटना से मंदिर व्यवस्थापक हरिचरण दास बर्मन ने, जो लक्ष्मीनारायण मंदिर के थे व्यवस्थापक जी हरिचरण दास वर्मन, उन्होंने महाराज जी से प्रार्थना करके उनको मंदिर में आश्रय दिया, और फिर तो महाराज जी पूरे जीवन 50 वर्ष से भी शायद ज्यादा ही
रह करके वहीं पर आखिरी सांस ली थी। भक्तों, संत गया प्रसाद जी 101 वर्ष की आयु पूर्ण किए थे, 101 वर्ष तक शरीर से जीवित रहे। और ऐसे संत का अभाव कभी नहीं होता। 50 वर्ष तो वहां रहे दान घाटी में, लक्ष्मीनारायण मंदिर में, कुछ दिन वृंदावन में, और कुछ दिन वो हाथरस में, उसके पहले फतेहपुर जिला में, कल्याणीपुर में। 101 वर्ष तक महाराज जी शरीर से विद्यमान थे। और इतने ऊंचे संत की उनका अभाव तो कभी नहीं माना जा सकता है। आज भी वे श्री गिरिराज जी की परिक्रमा में, जहां उनकी समाधि बनी हुई है, वहां भक्तों को प्रेरणा दे रहे हैं, श्रद्धावान को लाभ प्राप्त हो रहा है। और बहुत ही महान पुरुष थे, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।